हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयरिंग ज्ञान। आज ये मध्य प्रदेश जीके का सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने बात किया था कि जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट था, अब हम बात करेंगे कि इंडिया में मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटेड क्विज मैं आपके लिए आज लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट हाईटेक लैब इन इंडिया, इंडिया की जो पहली हाईटेक लैब है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है दमोह, भोपाल, सागर और रीवा। तो इसका सही आंसर है भोपाल। ओके, इसके बाद मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट सोलर पार्क इन इंडिया, पहला सोलर पार्क जो इंडिया का है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और राजगढ़। तो इसका सही आंसर है राजगढ़। राजगढ़ के गणेशपुरा तहसील में ये पहला सोलर पार्क लगा हुआ है। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, फर्स्ट डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन इंडिया, तो पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो इंडिया का है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है सीहोर, जबलपुर, कटनी और सागर। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। ओके, इसके बाद चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर है मेरा, फर्स्ट जेम फिनिशिंग सेंटर इन इंडिया, पहला रत्न परिष्करण केंद्र जो इंडिया का है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन है पन्या, जबलपुर, सीहोर, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। याद रखिए पन्ना नहीं होगा, जबलपुर है इसका आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में आता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है दतिया, सीहोर, जबलपुर, सांची। तो इसका आंसर तो आपको मालूम होगा, इसका आंसर क्या, सांची, रायसेन में जो है। ओके, इसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो पहली जनजाति जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है रीवा, सागर, अनूपपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है अनूपपुर। अनूपपुर के अमरकंटक में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन की। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया, तो पहला पुरातत्व जो पार्क है इंडिया का वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है रीवा, दमोह, सागर, दतिया। तो इसका सही आंसर है दमोह। दमोह के संग्रामपुर तहसील में जो है ये स्थित है। ओके, इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर एट की। तो फर्स्ट एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया, तो एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर जो इंडिया का है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है देवास, साजापुर, ग्वालियर, आगरमालवा। तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर क्या होगा, ग्वालियर। ओके, इसके बाद बात करूं क्वेश्चन नंबर नाइन। तो फर्स्ट टी एकेडमी इन इंडिया, तो भारत की जो पहली चाय एकेडमी है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है। इसका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर। तो इसका सही आंसर है भोपाल। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर टेन। तो क्वेश्चन नंबर टेन है, फर्स्ट कार्गो एयरपोर्ट इन इंडिया, तो इंडिया का पहला कार्गो एयरपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है दमोह, दतिया, छतरपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट मसाला पार्क इन इंडिया, तो इंडिया का पहला मसाला पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है। इसके ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, जबलपुर। तो इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। ओके, तो आज की इस कड़ी का आखिरी क्वेश्चन है, फर्स्ट काउ सेंचुरी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो पहला गौ अभ्यारण्य है इंडिया का ही नहीं दुनिया का, वो कहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश में। तो इसके ऑप्शन है होशंगाबाद, साजापुर, छिंदवाड़ा और दमोह। तो इसका सही आंसर है साजापुर। साजापुर की जो सुसनेर क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है। तो ये आज की इस कड़ी के 12 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन क्वेश्चन की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम लिंक ग्रुप से मिल जाएगी। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके इस मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।